वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक नए व्लॉग के साथ। तो जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब कह सकते हो आप कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, या काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चलो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, और ये आई थिंक व्लॉग #3 होगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और हमारा दिन जो है स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है, सो इट्स लाइक 6:30 और 6:20 इन द मॉर्निंग। सो चलो बेड से स्टेप आउट करते हैं और वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, देखते हैं फिर क्या टास्क है आज के हमारे। बेसिकली आज जो है कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, स्कूल भी जाना है आज। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बेड की हालत ऐसी है और विंडोज तो मेरी ओपन ही रहती, चाहे ठंड हो चाहे जो भी हो। थोड़ी सी ठंड है अभी, लाइटें ऑन ही रहने देते हैं। सब सो रहे हैं, लाइटें भी नहीं जली हुई है किसकी। पहले फ्रेश अप वगैरह हो जाते हैं, तब तक आप वीडियो देखो। इस आउटफिट में रहने की वजह से भी मुझे आई थिंक थोड़ी ठंड फील हो सकती है। ओके गाइस, वीडियो एंजॉय करो। सो गाइस, फ्रेश अप हो चुके हैं और पूरी तरह एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। सो अभी किचन में चलते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में ऑब्वियसली मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं दादी को बाहर आने दूंगा। सो देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा गुस्सा करके पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी की एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं। पहले लूक वार्म वाटर फॉर स्टमक्स गुड हेल्थ। वार्म वाटर हमारा हो चुका है अभी से। ओ शेट, गिर गया नीचे। अभी शाम पी लेते हैं। बेसिकली मैं मतलब वार्म वाटर पीता हूँ, थोड़ा टाइम, मतलब बिल्कुल टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट लग जाए कोई बात नहीं, बट रिलैक्स होकर सुबह का जो है वार्म वाटर पीना चाहिए। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा अगर आपकी बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी बेटर रहता है, आप पी सकते हैं। मुझे तो थोड़ा, वैसे जरूरी नहीं है कि आप सर्दियों में पियो गोसा पानी, हर मतलब एवरी मंथ यू कैन, एवरी सीजन यू कैन ड्रिंक इट, पर मेन बात यह होती है कि किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं करता है। सो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है। सो वार्म वाटर तो हमने पी लिया है, अब आई थिंक हो गया। सो अब नेक्स्ट टारगेट ये रहता है कि मेरा एवरी मॉर्निंग में, कि जैसे दादा दादी की एज अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ठंड होती है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कि वो बाहर ना आए। सो मतलब बाहर आने से पहले उनको मैं थोड़ी, मतलब जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता, सूरज मामा जी नहीं आ जाते हैं, तो तब तक मैं थोड़ी उनके लिए चाय बना देता हूँ। सो मॉर्निंग टाइम आई एम जस्ट ट्विस्टिंग और स्लिपिंग माई टंग, सो प्लीज इग्नोर दैट। सुबह सुबह होता है, तो हम थोड़ी चाय रख देते हैं अभी। गाइस, चाय मैंने रख दी है, बट इसी के बीच में मैंने ये देखा कि थोड़ी मॉर्निंग टाइम में किचन की हालत भी वैसी ही होती है, खस्ता सी। तो हाँ, मीनवाइल आई हैव नोटिस दैट कि टाइम जो है 7:20 हो गया है, और पता भी नहीं चला कि फ्रेश अप होने में, और सुबह सुबह जस्ट मैं निकल के अभी बाहर आया ही हूँ। मैंने अपने अकॉर्डिंग, मतलब मेंटली अगर देखा जाए, तो मेरे को नहीं रियलाइज हुआ कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और मैं 6:30 6:20 के आसपास तो मैं बाहर आ गया था, बट अभी एक घंटा कितनी जल्दी हो गया पता ही नहीं चला यार सुबह सुबह। तो अभी मुझे ड्रेसअप भी होना है, यूनिफॉर्म वगैरह पहननी है, और स्कूल जाना है, और थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आज के टाइम में नो वन स्टडीज, और बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि कोई बच्चा जो है बैठ के बड़े प्यार से बड़े ढंग से पढ़ता है, बट हमसे नहीं हो पाता। सामने अगर नोटबुक खुल जाए ना, नींद आ जाती है। वो नेचुरल है, दैट इज द नेचुरल फैक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। सो चाय जब तक हो रही है, हम इसको थोड़ा सा, मतलब इसकी डिग्री थोड़ी कम कर देते, तब तक हम जा करके अपने रूम में देख आते कि हमारे कपड़े वगैरह कौन से हैं पहनने के लिए, और साला काम ही नहीं कर रहा ये क्या यार, मतलब देख रहे हो, ये देखो 2000 पे है,
क्या ही किस्मत है भाई यार। सुबह 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 एक मशीन तक नहीं चल रही, आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तब तक जैसे मतलब तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी ठंड है अभी। ये मैं एक नॉर्मल पाइप का पीस है, मतलब वाटर पाइप का, जिस नलके वाली पाइप का पीस है, और ये बाहर रखा हुआ था, मतलब बाहर था ठंड में। सो आप देख सकते हो ये फोल्ड नहीं होगा, ये टूटेगा। देखो इतनी ठंड है बाहर, ये देखो, रुको एक मिनट, ये देखो मैंने इसको फोल्ड किया और ये टूट भाई, भाई टूटा, ये लिटरली ग्लास की तरह टूटा है। अब रुको रुको मैं एक और भी जोड़ता हूँ, रुको, जैसे हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ना, ये देखो ये देखो भाई इतनी ठंडे की प्लास्टिक जम चुकी है इतनी ठंडे प्लास्टिक जम चुकी है। और इसीलिए जब मैं ऐसे घूमता हूँ घर में तो मुझे घर वाले गालियां देते कि कपड़े पहन ले कपड़े पहन ले। आज मुझे लिटरली ना हैरानी हो रही, मुझे रीजन समझ आ गया कि सुबह सुबह मुझे घर वाले क्यों डांटते हैं। ओ भाई दिस इज शॉकिंग, बहुत ज्यादा शॉकिंग है ये भाई, मैंने पहली बार आज देखा। आई जस्ट क्या हुआ कि मैं पाइप थी नीचे रखी हुई, सो मैं उसके ऊपर जस्ट स्टेप अप, मतलब उसके ऊपर मैंने स्टेप किया या मैं उसके ऊपर जस्ट स्टेप लेकर के गया, भाई साहब मुझे क्रैक की आवाज आई। मैंने कहा ये क्या, मैंने देखा, मैंने कहा भाई इतनी ठंड है, और लिटरली मुझे इतनी फील हो नहीं रही है, बट अभी अभी जस्ट मेरे मेरे ग्रैंड फादर बाहर आए थे, उन्होंने मुझे बताया कपड़ा लत्ता पाले कुछ। हाँ चलो तब तक चाय डाल देते हैं हम। मैं बाबा जी को चाय दे करके तो आ गया, बट वो फिक्की चाय पीते हैं, मतलब शुगरलेस चाय पीते हैं, तो अभी मैंने दोबारा मतलब उनको चाय देने के बाद अभी इसमें शुगर डाली है थोड़ी, तो ये थोड़ी सी और बॉयल होगी, फिर उसके बाद हम दादी के दादी को देंगे, तो फिर उसके बाद हम दादी जी को देखने चलेंगे, मिलने चलेंगे सुबह सुबह। चाय बन चुकी है और मैंने सर्व भी कर दी है, सो लेट्स गो दादी के पास चलते हैं। सबसे पहले मैंने चाय बाबा जी को दी क्योंकि वो टाइम के काफ़ी पक्के हैं, वो उठ भी जाता है, उनका गेट देखो डोर खुल गया, लाइट भी जल गई, ही में भी ये रहे। मैं सुबह सुबह इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि बड़े ख़तरनाक बंदे हैं, हम अपने बंदे को डिस्टर्ब करेंगे। ये रहा, रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ। मम्मी गुड मॉर्निंग, चाय। मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चाय करनी है? अगर आपको नीचे तो मेरे को दे दो, ना डाल दो इसमें, बाबे ने दी, बाबा जी को दे दी मैंने इसमें। सो हम अपने रूम में आ चुके हैं अपने हिस्से की चाय लेकर के, तो मैंने फोन जो है चार्जिंग पे लगा दिया है क्योंकि ऑब्वियसली चार्जिंग नहीं है इसलिए चार्जिंग पे लगाया है। तो तब तक हम तैयार हो जाते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि सुबह का टाइम जो है आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर बाथिंग फ्रॉम बाथिंग, तो नहीं नहाएंगे हम, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेते हैं, रेडी हो जाते हैं टाइम से, तब तक चाय पी लेते हैं। बट मैंने वो चाय वाला बर्तन स्टिल धो के रख दिया क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो चाय तो मैं नाम की पी रहा हूँ जस्ट टू वार्म अप माई सेल्फ, एंड उसके बाद हम कॉफ़ी पियेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। दादी को हमने कॉफ़ी दे दी है, सुबह के लगभग सारे काम निपटा दिए हैं, सो अब रेडी हो जाते हैं। हम रेडी हो चुके हैं और सूरज मामू भी आ गए हैं, तो चलो बाहर चलते हैं और ब्रेकफास्ट हमें अभी हमने अभी करना है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई एम लेट, तो कोई बात नहीं, बट टाइम से तो हम पहुंच जाएंगे, लेट्स गो। सूरज मामू से भी मिलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। आहा देयर ही इज, सो फाइनली गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है आलू गोभी और पराठे, सो जल्दी में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर मिलते हैं। एवरीथिंग इज डन, हैंड वॉश हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो, बट वी हैव टू फेस वन मोर प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग बिकॉज आई एम नॉट गोइंग ऑन बाइसिकल टुडे, आज मैं साइकिल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ कोई और बंदा आएगा, शायद दो बंदे आए, तो
ये बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा है। इसको स्टार्ट करना बंद हो जाएगा, स्टार्ट करना बंद हो जाएगा, स्टार्ट करना बंद हो जाएगा। 10-1 मिनट तक तो इसका यही ड्रामा रहेगा। तो इसकी चाबी ले आते हैं पहले ना। तो चाबी हमने ले ली। अब देखना इसके ड्रामे, देखना तुम। स्टार्ट होगा बंद हो जाएगा, स्टार्ट होगा बंद हो जाएगा। हो अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की पाल दी। पुंडी साड़ी स्टार्ट तो हो गई है, पर है देखो मैं तुहानू एक जादू दिखाना है। लो ओ भाई मैं दोबारा करता हूँ, रुको एक मिनट। लो एंड ही इग्नोर्स एवरी टाइम बिकॉज अपनी दही किसी को खट्टी नहीं लगती। सो वो हर बार इग्नोर कर देते हैं कुछ भी हो। बट लेट मी, मैं थोड़ी देर इसके साथ जूझ लेता हूँ, तब तक आप वीडियो देखो। इनका पता नहीं सुबह सुबह क्या करने का इरादा है। अब ये स्टार्ट हो गया है, चलो फाइनली। आज मेरे साथ शायद पीयूष और चाह दोनों आए, तो क्योंकि वो भी दोनों आईपी के हैं या सीएस के, कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर के हैं, तो वो दोनों को भी मेरे साथ ही आना पड़ेगा। वरना क्योंकि मैं यार देखो यार तेल फूकना है ना, तो वो भी मतलब अगर आप पेट्रोल अगर आप तेल फूक रहे हो तो उसकी ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम मतलब उसकी जो है यूसेज करो, तो दो बंदों का और फायदा हो जाएगा मेरी वजह से। सो उन दोनों को भी मैं लेके चलूँगा, तो उनका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और दोनों ही आएंगे, पीयूष और चाह दोनों। सो हमारी स्कूटर जो है स्टार्ट हो चुकी है, हम रेडी हैं पूरी तरह। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, हमारी मॉर्निंग फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लीट हो चुकी है, बैग मेरा रेडी है एंड आई जस्ट हैव टू पिक इट अप एंड वॉच। वीडियो देखो आप। कोड वगैरह कुछ याद किया? घंटा वाह, गालियां मत दे साले। बीप कर दी। फिर तो पूरी वीडियो बीप में निकल जाएगी अगर मैं बीप करने बैठूंगा तो। चलो ठीक है गाइस, वीडियो एंजॉय करो, आप फिर मिलते हैं। स्कूल हम पहुंच चुके हैं, बट स्कूल में शूटिंग करना प्रोहिबिटेड है, तो हम इसके बाद ही मिलेंगे फिर। अब ठीक है गाइस, आप तब लोग वीडियो देखो। सो इसके बाद हम मिलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, फिनिशिंग एवरीथिंग। बाहर आकर के हम जो है कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, प्रैक्टिकल तो हो गया हमारा, स्कूल से तो निकल गए हम, बट मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमें स्कूल से निकले, फिर वहाँ से निकले, बातें वगैरह की, कुछ बाहर खड़े होकर के कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बात की है। सो अभी अब मैं फिलिंग स्टेशन पे हूँ। 200 का डलवाया ना, ज़्यादा तो नहीं डलवाया, पैसे नहीं है उससे ज़्यादा मेरे पास। उन्होंने ला दे मर जाए यार। ये लो सर, कट का ले आए दिन। वैसे आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बट कुछ कस्टम्स और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये है कि हम अंदर शूट नहीं कर सकते हैं, तो हौली हौली मैंने मारना नहीं। तो अभी हम घर जा रहे हैं वापस। यही था मेन, यही था कि तेल नहीं था, रिजर्व बंद कर ले यार, इधर रिजर्व बंद कर रखते थे होना। मेन मंगा ये था ना कि तेल भी नहीं था, फिर अपा मतलब एक्चुअली गल ये थी कि 11 बजे ऐसे जाना था, बट टाइम जो है 12:30 हो गया है, तो बाबा जी भी घर पे वेट कर रहे होंगे, अभी चलते हैं। लेट्स गो बैक to home. Wait. देला का वेरी कॉमन पॉइंट जहाँ पे हमेशा जाम लगा होता है। भैया हाय। देला का वेरी कॉमन पॉइंट है जहाँ पे जाम लगा होता है। माँ कसम यहाँ पे बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि तारे होती है ऊपर, यहाँ से बड़े ट्रक लेकर के जाते ही है। वो देखो आगे जा रहे हैं वो भैया, वो भी रुक गए वहीं पे क्योंकि उनके आगे भी कुछ आ गया। दैट में भी टाटा मैजिक होगी। हाँ टाटा मैजिक ही है, यही पंगा रहता है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अपना पिंड है, जैसा मर्जी है, बहुत अच्छा है, हरा भरा है, और हमको क्या चाहिए, किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जो मर्जी करो ऐश करो, बस एक गल है कीप योर ईयर्स क्लीन।
चाहे जो मर्जी कोई भी बोलता है उसको मतलब तकरीर में जाने की कोशिश मत करो। चलो वीडियो देखते रहो। किया था उस टाइम मैं वहां था, मतलब स्कूल में था तो मेरा फोन ऑफ था उस टाइम। गए भी है पैदल ही गुरुपाला का, पैदल ही गए थे। कहाँ गए हैं? कोई काम जिद्दा। गाइस फाइनली वी आर होम आज फिर। अच्छा ये तो कल के ही धोए हुए, सुखाने डाले हैं, सूखने डाले हैं। डैम हु इज दिस गाय। चलो जब तक तब तक बापू जी को फोन करके पूछ लेते हैं वो कहाँ गए हैं, फिर अगर उनको नीड जरूरत है तो हम स्कूटर जो है उनको दे के आएंगे। और चौधरी साहब आप जाएंगे रुकेंगे? जा रहा हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर, फिर मिलते हैं, सी यू सून। ठीक है गाइस आप वीडियो देखते रहिए, मैं तब तक थोड़ा फ्रेशअप वगैरह हो जाता हूँ और पहले मैं फोन करके पूछ लेता हूँ दादू कहाँ पे। और बादल जी क्या हाल है? बढ़िया ठीक हो? है गाड़ी का काम चल रहा है पीछे, तो बाबा जी ने मुझे वहां पे बुला लिया था। अभी वो उनको स्कूटर की शायद जरूरत होगी ना, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ही स्कूटर है और कुछ इसका है नहीं, तो उसके अलावा कुछ है नहीं, तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया अभी जखेड़े मोड़ पे। और उन्होंने बोला कि मेरे को स्कूटर देके चले जा, बट वो बोल रहे थे कि मैं तेरे को गुरुद्वारे तक छोड़ देता हूँ, बट मैंने बोला कोई बात नहीं थोड़ा पैदल चल जाते हैं। पैदल जाने से यार थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा ही सही, बट फिटनेस को लेकर के ना बंदे को होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए अपने फिटनेस को लेकर के, कि नहीं फिटनेस जो है ज़रूरी है। जहाँ से भी एनफील्ड गुजरती है ना वहीं पे ध्यान चला जाता है कि नहीं यार रॉयल एनफील्ड कौन सी जा रही, पीछे गई अभी एक, अब सेम रास्ता वही है, बट मैं पैदल जाऊँगा वापस, अब थोड़ा सा सैर हो जाएगी। ये जो पूरी लाइन है ना वैसे ये पूरी रिपेयर वालों की है, वो हिस्सा भी गाड़ियों की रिपेयर का है ये भी। अरे वाह क्या हाल है? बढ़िया, यहाँ पे हर जगह रिपेयर्स का ही काम होता है गाड़ियों। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ही हूँ और ऐसे ही वापस मस्ती करता हुआ चला जाऊँगा, कुछ पंगा नहीं है, फायदा तो अपना ही हो रहा है, थोड़ा बस खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, टांगे सीधी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, आफ्टर ऑल इट्स अ वॉक, सो वॉक के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। चलो ठीक है गाइस वीडियो देखते रहो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कर देना। वाहेगुरु। मोड़ तक तो पहुंच गया मैं, जखेड़ा मोड़ से यहाँ तक मेरे को 1:12 लगे। अब यहाँ से आगे भी थोड़ा सा है, बट जब आप गुरुद्वारा क्रॉस कर लेते हो ना तो ऐसा लगता है कि नहीं अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब जल्दी पहुंच जाओगे। सो प्लस टू वालों के रेगुलर स्कूल शुरू हो गए हैं, सो हमारे भी आई थिंक हो जाएंगे HP बोर्ड, मतलब हमारा भी HP बोर्ड ही है, एफिलेटेड टू HP बोर्ड, सो हमारे भी रेगुलर स्कूल डेज शुरू हो जाएंगे। सो ये भी थोड़ा एक टेंशन वाला मुद्दा है, क्योंकि हम वैसे सोते रहते हैं, हमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बेकार पक्का नहीं है, सोते ही रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं है और रिलैक्स रहते हैं छुट्टियों में। बट कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से अब छुट्टियाँ पता नहीं कब आएगी, बट आनी चाहिए, ओमिक्रॉन की वजह से भी छुट्टियाँ आनी चाहिए। अभी फिर यहाँ पे पीछे एक, अरे भाई 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 भाई, अभी फिर यहाँ पे पीछे एक छोटा सा जाम लगा हुआ था। सो अरे वाह बीरू अंकल। बेला में भी काफी अच्छी गाड़ियां मिलने लग गई यार, अब तो महंगी महंगी बड़ी बड़ी चौंधियां देने वाली गाड़ियां। चलो मैं भी थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर के फ़ोन यूज़ नहीं किया है, तो घर पहुँच के ही बात करते हैं अब।
चलो वापस घर तो पहुंच गया। अब मैं फ्रेश अप होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फ्रेश अप होऊंगा, यूनिफॉर्म चेंज करूंगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, हाय तो कर दो, हाय कर दो, हाय तो कर दो। कौन है? कोई भी नहीं है। कौन है? वीडियो बना रहा हूं मैं। कौन है? ठीक है गाइस, फ्रेशन अप होने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद और नहाने धोने के बाद, हर काम करने के बाद अब मिलते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। कपड़े चेंज करते करते मैंने नोटिस किया कि समवन इज वॉचिंग समथिंग, सो दादी मेरा व्लॉग देख रही है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अभी पहले परना चेंज कर लेते हैं, परना थोड़ा हल्का जेल पेट लेने, क्योंकि सुबह से लेकर के अभी तक ना बड़ा टाइट परना था। बाल वाल कंघी कर लेते हैं, परना लपेट लेते हैं। बालों की कंडीशन तो अभी ठीक है, धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब तक कवर्ड रहते हैं तब तक कोई टेंशन नहीं होती। कभी कभी हो जाता है कि मैं ऐसे ही बिना परना बांधे बाहर चला जाता हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाए तो सारी ज़्यादा दिक्कत आती है। घर का जो परना होता है ना, लूज एकदम, मतलब नॉर्मल सर ढकने के लिए, इससे सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, ना ही ठंड लगने की टेंशन, ना ही कोई हवा लगने की टेंशन, सिर ढका हुआ रहता है, कोई पंगा नहीं होता इसका। वी आर ऑल सेट, अब हम रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि ढीला परना बांध लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है, वरना टाइट परने में यार सिर बहुत टाइट रहता है एकदम। सो देखते हैं अब नेक्स्ट, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नहा लूँ, बट पता नहीं क्यों मन नहीं है, बट यू नो हाइजीनिक जो पर्सनल हाइजीन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो नहा लेते हैं वैसे भी, क्यों अभी तक भी व्लॉग देख रहे हैं। वैसे व्लॉग लंबा तो है यार, चलता रहेगा व्लॉग। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई शावर। पाइप में ले आया, दिस इज माई शावर। एक मिनट रुको, मैं पाइप जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और ये पाइप जुड़ चुकी है, और ये है मेरा शावर जिससे पानी यहाँ गिरता है और मैं यहाँ नहाता हूँ। शावर, और ये बहुत ही अच्छा शावर एक्चुअली, लेट मी जस्ट शो यू, क्योंकि नहाते वक्त दिखाऊंगा थोड़ा गंदा लगूंगा मैं। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ मोटर, मोटर मैंने ऑन कर दी है, ये आ गया पानी, इसके नीचे नहाता हूँ मैं। वैसे एक बात है, जन्नत, कसम से बोल रहा हूँ जन्नत, खुले में नहाने का और चलते पानी के नीचे नहाने का मज़ा ही कुछ और है। रनिंग वाटर के नीचे अगर आप नहा रहे हो ना, आप मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते हो, आप बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, और एकदम मतलब बिल्कुल ही नम सी फीलिंग, मतलब एकदम मज़ा आ गया बाहर खुले में नहा के। चलो नहाते वक्त तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ऑब्वियसली मतलब आई डोंट बाथ नेकेड टू बी क्लियर, बट व्लॉग है, समझा करो। मैं नहाने की तैयारी कर लेता हूँ, अपने कपड़े वगैरह निकाल लेता हूँ, आप तब तक वीडियो देखो, जाना मत कहीं पे, बना के मिलता हूँ। नहा धो करके हो गए हम बिल्कुल फ्रेश, एकदम टिप टॉप, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने, अब देखते हैं किचन में जाके कि क्या बनाए खाने के लिए। लंच का पता कर लेते हैं क्या है लंच में, फिर उसके बाद हम सोते हैं थोड़ी देर, सोने के बाद हमें जाना है ट्यूशन। हेलो जी, क्या बनाया? अरे वाह, दाल बनी है, मेरे को चावल रख देने थे यार, इतने पंगे में क्यों? देखो जी, हुन नहीं ऐसी पंगा पाना, हुन साडे फुल के पक्के आ गए। नहीं नहीं, अगर मतलब चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं, जब आपने बोला था ना कि क्या बनाए खाने के लिए, तब मैं बोल रहा था कि आप बोल देते चावल रख देते तो क्या हो जाता। रात भी आनी है, फिर करे केड़ा, जितना का टाइम होना तो फटाफट का ग्लास चावल आंदा ही धरना। वे
खाना हम थोड़ी देर में लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएंगे फुलके बनने में। दाल तो बन चुकी है। तब तक मेरा भाई साहब, मेरे रूम का तो ना सत्यानाश ही हुआ रहता है। जब भी आओ ना रूम, मतलब खुद को ही ठीक लगता है, ठीक है, बट कभी कभी आओ जाओ तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही कमरा है, कौन जानवर रहता है इस कमरे में। चलो ठीक है गाइस, अब तक मैं थोड़ा सा रूम वगैरह सेट कर लेता हूँ, होप सो कि मैं कर पाऊँ। यूनिफॉर्म भी ऐसे ही फेंक दिया मैंने। तब तक आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम खाना लेने चलते हैं। दादी जी ने आवाज़ लगा दी है खाने के लिए, रोटी के लिए। You look at this guy. He is a wonderful guy. मेरी माँ मेरा रब जी दी कोको होया पैदा, मेरी जिंदगी जी होन दा सिखाया इको कैदा। क्या बोला आपने? मैं कहा रोटियां चूर के मांगता जी। तो चूर के दो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें कितने हैं? 5। दोबारा नहीं आऊंगा मैं फिर, इतने काफी है मेरे को। आहा, दाल फुल्का और घी, एक हाथ में फोन है, कैसे खोले दरवाजा। लजीज खाना आ चुका है। डोर करेंगे क्लोज और शांति से बैठ के अब हम खाना खाएंगे। खाने के टाइम में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, एवरीबॉडी इज यूजलेस। खाना खा के फिर मिलते हैं, कंटिन्यू। दाल बहुत टेस्टी है, वंडरफुल है। खाने पे ध्यान देता हूँ अब मैं। खाना खा लिया हमने, बर्तन रखने जाता हूँ मैं किचन में। आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया। बर्तन रख दिया हमने। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ सोते हैं आज, दरी वरी बिछा करके। रेस्ट करनी है तो थोड़ी स्टाइल से करते हैं। कंबल ले चलता हूँ अपना, कंबल और पिल्लो, बाकी मैं दरी बिछा लेता हूँ वहाँ पे। दरी बिछा ली मैंने। बाबा जी विपिन अरोड़ा, विपिन रनावत रावत के बारे में देख रहे हैं, जो आर्मी जनरल थे जिनकी अभी डेथ हुई है, रिसेंटली क्राइसिस हुआ है जिनका। ही इज बहुत बिजी राइट नाउ, बट ऐसे सर्दियों के टाइम में जैसे कोई काम वाम भी करना होता है या कुछ करना होता है तो मैं बाहर ही बैठता हूँ, और ये अंदर से ज़रा लाइटें वाइटें बंद करके आते हैं, बाहर लेटते हैं, आराम से सोते हैं। दोपहर की नींद बहुत ज़रूरी होती है और 3 बजने वाले हैं, 4:40 और 5 o'clock के आसपास मैंने ट्यूशन जाना है, तो टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है। सो लाइटें बंद है, बाकी सब ठीक है। ये प्याज रह गया यहाँ पे, इसको ले चलते हैं। सो अब रेस्ट करने के बाद ही मिलते हैं बाद में। टेक केयर गाइस, वीडियो देखते रहे, वीडियो तो चलेगी। मैं लेट नहीं ही वाला था बट दादी ने मुझे उनका फ़ोन लाने के लिए और दवाइयों का डब्बा लाने के लिए बोल दिया। सो अभी मैं एक पानी का ग्लास भी रख देता हूँ उनके पास और दवाइयों का डब्बा दे देता हूँ उनको। ये पानी रख दिया आपका और ये लो दवाइयों का डब्बा और ये आपका फ़ोन। कौन सा ये तौलिया? अब ठीक है, हम तो जमे लुक गए, हम ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, सो जाऊँ मैं।
इट्स टाइम टू स्लीप, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं. ऑल सेट, गुड नाइट. वेरी गुड इवनिंग गाइस. अरेस्ट वगैरह कर ली, सो के उठ गए. अलार्म लगाना भूल गया मैं, मेरे को याद नहीं रहा कि मुझे अलार्म भी लगाना है 4:40 का. तो घर में बाबा जी बाहर बैठे हुए थे, वो फोन पे लगे हुए थे, दादी अंदर अपने रूम में, किसी ने मुझे उठाया नहीं, सबके दिमाग से स्लिप कर गया. तो मैं अभी एकदम से सडनली उठा हूँ, फ्रेशन अप हुआ हूँ, मैंने अपने कपड़े निकाले, अभी जल्दी से हम पन्ना बांध देते हैं, शूज़ वगैरह मैंने पहन लिए हैं. मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ आज, राइड रहने देते थोड़ी देर. शिट यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. बाबा जी के रूम में चले गए. अरे यार आराम से यार. बाबा जी के रूम में हम पहुँच गए. जल्दी से पन्ना बांध लेता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ. ये हमने सिंपल पन्ना बांध दिया है, अब बिल्कुल सिंपल फटाफट. अब हम चलते हैं, लाइटें क्लोज कर देते हैं इस रूम की. मैंने बुक्स ले ली अपनी और मुझे याद आया कि मेरा बैग बाहर ही है, सो मैं ये जल्दी से जल्दी बैग में डाल लेता हूँ और निकल जाता हूँ. ऑल सेट, लेट्स गो. अंदर खड़ा करने लगे. लेट तो हो गए हैं बट जाना तो पड़ेगा, वरना घर वाले भी गालियां देते, छुट्टी भी हो जाती, कोई फायदा भी नहीं होता. और एटलीस्ट 1.5 आवर तो है अभी, सो मैं जितना हो सके जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ. हरे भरे खेत मतलब होने वाले हैं जल्दी, अभी कम आ रहे हैं. चलो मैं भी अपना पूरा जोर से वॉक कर रहा हूँ, मतलब फास्ट, एज फास्ट एज आई कैन. ठीक है गाइस, अब ना ट्यूशन से आते वक्त आपसे मुलाकात होगी. सी यू सून गाइस. ट्यूशन से तो हम लोग वापस आ गए. यार माँ कसम, जो टंग ट्विस्टिंग होती है ना बीच में, टंग ट्विस्टिंग की वजह से काफ़ी सारे मेरे जो सेंटेंसेस हैं, अल्फाज हैं, वो बदल जाते हैं. सो ट्यूशन से तो हम लोग वापस जा रहे हैं, हम घर के लिए. आई थिंक 7:15 टाइम जो, हाँ 7:15 तो हो गए हैं अभी. ठंड हो गई है अब थोड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ठंड हो गई, जल्दी अंधेरा हो जाता है यार, बड़ा तंग करता है. चलते घर पहुँचते जल्दी, फिर देखते डिनर के लिए क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद किचन में लगते हैं. वैसे आज के दिन की अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो काफ़ी बेहतर थी पिछले दिन से, काफ़ी अच्छी थी. आज का दिन काफ़ी अच्छा गया वैसे, प्रैक्टिकल्स वगैरह है, पूरा दिन, होल परफॉर्मेंस, आज के दिन की पूरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी. मुझे, मैंने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और ज़रा भी मैंने समय का दुरुपयोग नहीं किया. चलो अच्छा है, अब मैं देखना बंद हो गया हूँगा, सो आई हैव टू चेंज द फ्रेम. अभी मैं धीरे धीरे फिर से अपीयर होना शुरू हो जाऊँगा. यार लाइफ का एक मेन मोटिव पता क्या बना लो यार, सीधी सी बात है, बन मस्त मौला और लुट नजारे जिंदगी दे, बस गाल कर. अगर ये चीज़ आपने श्योर कर ली ना, मतलब अगर इस चीज़ को आपने पक्का बना लिया तो लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है यार. बस अब हम भी घर पहुंच गए हैं. हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं वापस और बाय.
ठीक है गाइस, बहुत अच्छा रहा आज का दिन और आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा रहा। इसमें मैंने अपनी एक नॉर्मल डे की रूटीन जो है, जो मेरे डेली के टास्क होते हैं या डेली के कोई भी मैं मतलब वर्क्स परफॉर्म करता हूँ या कुछ, मैं डेली में क्या करता हूँ, डेली की मेरी रूटीन क्या है, इसमें ये पूरी आ जाती है। सुबह 6 o'clock से लेकर के शाम को 7:30-7 o'clock तक मैं पूरा बिजी ही रहता हूँ। सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली इट स्टार्टेड पेनिंग अ लॉट, क्योंकि मेरा मतलब न्यू है ये हर चीज़, एक नई चीज़ है ये व्लॉगिंग वगैरह और ये, क्योंकि मैं गेमिंग में फोकस था, मेरा कुछ करियर कुछ और था, मेरी लाइन कुछ और थी, सो आई हैव चूज टू डू समथिंग एल्स, सो फॉर सम टाइम इट्स गोना हर्ट अ लिटिल। सो मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ कि आप लोग लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे मेरे चैनल को। Hope you all are doing great. And guys, thank you so much for watching this video. Tahe dil se, thank you. अभी ये end होने के बाद, मतलब ये end का जो intro है उसके बाद जो है मैं kitchen में जाऊँगा, थोड़ा सा relax होऊंगा, कपड़े वपड़े जुड़े थोड़े जो है जो खोलने वो खोल दूंगा जो कल काम आएंगे, और फिर kitchen में जा करके खाने पीने के लिए क्या है वो देखेंगे, dinner करूँगा और dinner करने के बाद थोड़ी देर पढ़ूंगा, फिर सो जाऊँगा, फिर आप लोगों से कल मिलूंगा सुबह 6 o'clock अगेन। ठीक है गाइस।